जाट आरक्षण आंदोलन में कांग्रेस ने आग लगवाई, अभी किसान आंदोलन में ये रोजाना आग लगवाने की कोशिश करते हैं। ऐसे हालात में हरियाणा के अंदर कौन उद्योग रहना चाहेगा? ये कांग्रेस के लोग हरियाणा के अंदर खुद एक जातीयता का जहर खोल के, जातीयता के दंगे करवा के और प्रदेश का माहौल खराब करके ऐसी एक व्यवस्था पैदा करना चाहते हैं कि यहाँ से इंडस्ट्रियां पलायन कर जाएं और उसका ठेकरा भाजपा सरकार के ऊपर फोड़ दिया जाए। ये इस किस्म की किसी भी जनसभा में किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ अगर कोई गलत व्यवहार होता है, पत्थरबाजी होती है, उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, ये कभी भी स्वीकार्य नहीं है और ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए और मैं कहता हूँ सख्त दंड मिलना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर अगर किसान को अपनी बात कहने का हक है तो जनप्रतिनिधि को भी अपनी बात कहने का हक है। अगर कल को सरकार यहाँ पर आके और जहाँ पर किसान बैठे हैं कोई इसी तरह का व्यवहार करे तो फिर इनको क्या महसूस होगा? इसलिए मैं जहाँ तक समझता हूँ इनके अंदर कुछ ऐसे सामाजिक तत्व घुसे हुए हैं जो कुछ पार्टियों की शय के ऊपर राजनीतिक लोगों से मिले हुए हैं। और जहाँ कहीं भी मैं देखता हूँ, ख़ास तौर पर किसानों के लिए, जब भी या मैं ट्रैक्टर देखता हूँ या कोई और दूसरा कैंटर देखता हूँ जिसके अंदर तथाकथित किसान के नाम के ऊपर लोग आते हैं, तो उसके ऊपर दो ही झंडे मिलते हैं। दो झंडे मिलेंगे कम्युनिस्ट पार्टी के, हथौड़े के साथ वो लाल झंडा, और एक झंडा मिलेगा कांग्रेस का। तो ये किसान का आंदोलन नहीं, ये कम्युनिस्ट और कांग्रेस का आंदोलन है। और वो जो मोदी जी का देश के निर्माण का जो एक नारा है, क्योंकि कम्युनिस्ट जो है ना हमेशा भारत विरोधी रहे हैं और कांग्रेस कमीशन की राजनीति करती रही है, अब दोनों को ही अपना भविष्य अंधकार में नज़र आता है। तो वो इस किस्म की लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये गड़बड़ करवाते हैं, जनप्रतिनिधियों से दुर्व्यवहार, पत्थरबाजी, उनकी गाड़ियों को तोड़ना, ताकि सरकार अपना संयम खो दे। और सरकार अगर संयम खो दे तो कहीं ना कहीं कोई गोली चल जाए, लाठी चल जाए, फिर उसके ऊपर राजनीति की जाए, मौत की के ऊपर राजनीति की जाए। तो ये मकसद है, लेकिन किस सरकार इस बात को समझती है अच्छी तरह से कि इसके पीछे क्या राजनीति हो रही है? इसमें किसान कम, कांग्रेस और कम्युनिस्ट का आंदोलन ये ज़्यादा है, राजनीतिक आंदोलन है, ये किसान का आंदोलन नहीं है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी, हरियाणा की बीजेपी सरकार जो है वो मारुतियों को दिल्ली से गुजरात भेजना चाहती है। अब मैंने पढ़ा है आज रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान, मैं इनसे ये पूछता हूँ, जाट आरक्षण आंदोलन में कांग्रेस ने आग लगवाई, अभी किसान आंदोलन में ये रोजाना आग लगवाने की कोशिश करते हैं, ऐसे हालात में हरियाणा के अंदर कौन उद्योग रहना चाहेगा? किसी भी उद्योग के लिए प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का सही होना सबसे पहली चीज़ है। जाट आरक्षण आंदोलन में जब आगजनी हुई, बहुत से ऐसे उद्योग थे जो रोहतक और सोनीपत के आसपास में आना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने आगजनी का ये माहौल देखा तो उनका खुद का मन खट्टा हो गया और उन्होंने अपने विचार बदल लिए। इसलिए कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक के देखे, प्रदेश की शांति व्यवस्था के लिए काम करे, प्रदेश में जातीय भाईचारा ना बिगाड़े, प्रदेश में जातीयता का जहर ना घोले। जो जहर जो घोलते हैं वो लोग फिर वो आग लगा के बुझाने के लिए दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं कि इसने लगाई है, इसने लगाई है, इसने लगाई है। इसलिए रणदीप सिंह सुरजेवाला जो ये बयान दे रहे हैं, आज हरियाणा से कोई उद्योग पलायन नहीं कर रहा है, बल्कि हरियाणा में बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर पैसा लगाने के लिए मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आतुर हैं। और हरियाणा आने वाले समय में एक विदेशी कंपनियों के लिए, क्योंकि हरियाणा से जो कॉरिडोर निकल रहे हैं अभी इसके कुंडली मानेसर एक्सप्रेस हाईवे के साथ साथ रेल कॉरिडोर मंजूर हुआ है हरियाणा में, और नारनौल से लेकर अम्बाड़ा इस्माइलाबाद तक ग्रीन वे हाईवे बन रहा है। तो ये कनेक्टिविटी इसलिए सारी की जा रही है कि हरियाणा, क्योंकि NCR रीजन के अंदर पड़ता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज आने की संभावना है और वो आएंगी। लेकिन ये कांग्रेस के लोग हरियाणा के अंदर खुद एक जातीयता का जहर खोल के, जातीयता के दंगे करवा के और प्रदेश का माहौल ख़राब करके ऐसी एक व्यवस्था पैदा करना चाहते हैं कि यहाँ से इंडस्ट्रियाँ पलायन कर जाएँ और उसका ठेकरा भाजपा सरकार के ऊपर फोड़ दिया जाए। लेकिन आपने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात करी है,
पंजाब हरियाणा में मौजूदा बीजेपी की गवर्नमेंट है, क्या लगता है कि मारुति जिस तरीके से प्लान कर रही है कि हरियाणा में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो ख़राब है? देखिए, मैं कहता हूँ ये विपक्ष के लोग जिस किस्म का माहौल प्रदेश में बनाए हुए हैं, ऐसे माहौल में उद्योगपति खास तौर पर सोचता है कि वहाँ पर पैसा लगाऊं कि नहीं लगाऊं। लेकिन इसके लिए हम संयम से काम ले रहे हैं, लेकिन ये प्रदेश को उजाड़ने के लिए आतुर हैं कांग्रेस के लोग। और ये सारा प्रदेश का जो उजाड़ने का काम इनका सुनियोजित जो चल रहा है उसका ठीकरा बीजेपी पर फोड़ना चाहते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।